जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट, देश भर के राज्यों में होगी बारिश और बर्फबारी। आज 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में भी 13 और 14 अप्रैल के दौरान बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। आज 13 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अलग अलग स्थानों पर बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में भी सक्रिय होगा नया पश्चिमी क्षोभ। इन 6 संभागों में आंधी और बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज 13 अप्रैल के दौरान इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की है। राज्य में आज अजमेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, पाली, जयपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में मेघ गर्जन, आंधी के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। नागौर, सीकर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में मेघ गर्जन, अंधड़ के साथ बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। मध्य प्रदेश राज्य में भी अगले 4 दिनों तक वर्षा का दौर। 8 संभागों में बारिश, बिजली का अलर्ट, चलेगी आंधी, गिरेंगे ओले, कई वेदर सिस्टम सक्रिय। आज 13 अप्रैल को राज्य में विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर, इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। आज 13 अप्रैल को राजस्थान में धूल भरी आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 16 से लेकर 18 अप्रैल के दौरान भी हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेज गति से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज 13 और 14 अप्रैल के दौरान कई स्थानों पर, वहीं 15 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी बन रही है। अगले 3 दिनों तक बारिश और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में खराब मौसम की गतिविधि बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में तेज गति से हवाएं चलने, हल्की बारिश, छिटपुट ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना भी बन रही है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।